नमस्ते, मैं रेकी मास्टर टीचर, एंजल हीलर, एनिमरोलॉजिस्ट सोमा पाठक आज आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ क्रिस्टल्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बेनिफिट्स के बारे में। आप लोगों ने वैसे बेनिफिट्स तो बहुत सुने होंगे, पर मैं आज जो बताना चाहती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, आज से एज़ यू ऑल नो आई एम अ न्यू यूट्यूबर, क्योंकि लास्ट मई 21 में ही मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल, तो इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम था, थोड़ा नर्वसनेस भी रहता था। बातें जब मैं करती थी आप लोगों को समझाना चाहती थी, क्लियरली शायद समझा नहीं पाती थी। तो मेरे जो सोल सिस्टर्स हैं या जिन टीचर मैंने जिनके पास जो मेरे रेकी गुरु हैं उनके और भी जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो मेरे गुरु बहन हैं, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि दी आप लैपिस लाजुली यूज़ करो, जिसको यूज़ करने से आप बहुत अच्छे से बोल पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे। तो ये दोनों का नाम बोलना बहुत ज़रूरी है, एक है पूजा और दूसरी है उषा। आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम, क्योंकि आज उनकी बातों को अगर नहीं सुनती तो आज मेरा स्पीच इतना कॉन्फिडेंटली नहीं दे पाती या बोल पाती। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू सो मच, यूनिवर्सल पावर ब्लेस यू बोथ फॉर हेल्पिंग मी। तो ये लैपिस लाजुली है, देखिए ये है लैपिस लाजुली, ये ब्रेसलेट, इसको हम ब्रेसलेट्स में पहनते हैं, या ये मेरा जैसे माला है, कंबाइन है एज पर न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन, मेरे लोशु ग्रिड में जो है रेमेडीज उस हिसाब से ये वाला माला है। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्म्स बहुत सारे फॉर्म्स में मिलते हैं, कोई भी क्रिस्टल्स, ये टम्बल में मिलते हैं, क्लस्टर्स में, रॉ में, या ऐसे बीड्स में भी मिलते हैं। तो मैंने यूज़ किया, मेरे पास टम्बल है, आपको फ़ोटो, आप लोगों को फ़ोटो भी दिखाती हूँ। तो इन लैपिस लाजुली तीन सिर्फ टम्बल को मैंने पानी में रखा और इसको रेगुलरली पीना स्टार्ट किया। उससे पहले एज आई एम अ रेकी मास्टर टीचर एंड एंजल हीलर, क्रिस्टल हीलर, तो मैंने सबसे पहले इन क्रिस्टल्स को एक्टिवेट किया, रेकी और क्रिस्टल के जो सिंबल्स होते हैं, पावर सिंबल्स, उनके थ्रू, और फिर इनको यूज़ करना स्टार्ट किया। एवरी डे मैं यही वाला बॉटल का पानी पीती हूँ, और ये जो बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, आप अगर मेरे पुराने एटलीस्ट 17 टू उससे आगे के जो वीडियोज़ हैं या ऑडियोज़ हैं वो देखेंगे, और अभी के जो लास्ट 15 डेज से अभी तक के जो वीडियोज़ या ऑडियोज़ हैं इनको अगर आप सुनोगे तो आपको क्लियरली डिफरेंस समझ आएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ दोनों से, और चाहूँगी कि आप सब भी क्रिस्टल्स यूज़ कीजिए। जिनको रेकी नहीं आता है नो प्रॉब्लम, फिर भी ये क्रिस्टल्स आपको किसी न मतलब हर तरफ से आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि लैपिस लाजुली के बारे में बताती हूँ, लैपिस लाजुली हमारे थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए यूज़ किया जाता है, और मैंने ये लैपिस लाजुली का पानी तो पिया ही है, साथ ही साथ मैंने अपने सेल्फ हीलिंग के, रेकी सेल्फ हीलिंग के साथ साथ हर रोज़ 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा SPT किया है, मतलब वो भी हीलिंग होता है, स्पेशल हीलिंग होता है थ्रोट चक्रा का, किया था, तो इस वजह से इतना इम्प्रूवमेंट हो पाया है। और ऐसे जो लैपिस लाजुली का जो काम है, जो बेनिफिट है, वो है हमारे थ्रोट चक्रा को हील करना, चाहे वो हमारे थ्रोट चक्रा में जैसे टॉन्सिलाइटिस प्रॉब्लम हो, थायराइड प्रॉब्लम हो, गले में और भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो या अगर कॉन्फिडेंस में कमी है, हम अच्छे से बात नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, किसी के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जो मार्केटिंग में या कोई भी बिजनेस में पॉलिटिशियंस को, एक्टर एक्ट्रेसेस को और सिंगर्स को बहुत ज़रूरी, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा अगर हील रहता है तभी वो अपने
परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दे सकते हैं, दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग रेकी सीखिए, लाइफ में हर तरफ से पॉजिटिविटी तो आएगी ही, साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवा के आप अगर क्रिस्टल्स यूज़ करेंगे अपने लोशु ग्रिड में, जो भी रेमेडीज़ है उस हिसाब से अगर क्रिस्टल्स यूज़ करोगे तो इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। वैसे भी आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल्स की कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, ये फुल्ली पॉजिटिव है। और रेकी भी आप लोग ये ज़रूर करो, और एज अ प्रूफ यू कैन सी, यू कैन नोटिस द डिफरेंस एंड द इम्प्रूवमेंट इन माई स्पीच, इन माई कम्युनिकेशन। सो स्टे ब्लेस्ड, यूनिवर्सल पावर ब्लेस यू ऑल। नमस्ते।